अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरी एक न्यू वीडियो है अबाउट स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर वायरिंग डायग्राम के हवाले से। ये पावर वायरिंग डायग्राम की ये स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग डायग्राम की डायग्राम बनाई है मैंने, पावर वायरिंग की डायग्राम बनाई है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर जो है उसकी पावर वायरिंग डायग्राम कैसी होती है। तो बेसिकली यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थ्री फेज़ है, ये मेन का कंडक्टर है, ये डेल्टा का है, ये स्टार का है। स्टार का कंडक्टर तीनों फेज़ ऊपर से लूप करके शॉर्ट किया हुआ है और बाकी ये तीनों फेज़ की लूपिंग हुई हुई है। ये लूपिंग डेल्टा के इनकमिंग से है, यानी मेन कंडक्टर के इनकमिंग से है, और फिर ये आउटगोइंग पे ये वायरें आपस में लूप हुई हुई हैं जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसमें बताने की कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो बताने की बात असल है वो ये है, इस चीज़ को देखें, ये वाइंडिंग कनेक्शन है थ्री फेस मोटर के। कोई भी थ्री फेस मोटर के जो इंटरनल वाइंडिंग कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, U1 V1 W1 W2 U2 V2। ये एक फेस U1 U2 ये एक फेज है, V1 V2 ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है U1 V1 V1 V2 दूसरी कॉइल है, W1 W2 तीसरी कॉइल है। अब जब हमें मोटर को अगर डेल्टा में चलाना है तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं U1 से W2 को, V1 से U2 को, W1 से V2 को, तो मोटर हमारी डेल्टा में चलना शुरू हो जाती है। और अगर हमें इसी मोटर को स्टार में चलाना है तो हम U1 V1 W1 को शॉर्ट कर देते हैं, या इनको शॉर्ट कर देंगे इधर सप्लाई दे देंगे तीनों फेज़ की, या इनको शॉर्ट करके इधर तीनों फेज की सप्लाई दे देंगे। तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा स्टार कनेक्शन कहलाता है और मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल आते हैं तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।